हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 24। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 23 जो हैं वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमने HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPSSC की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, ये आपके आने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पर इस एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 131 क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के बताना है कि हिंद महासागर से संबंधित जो है वो कौन सी धारा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एगुलहास की धारा। तो देखिए, एगुलहास की धारा की अगर हम बात करें तो ये है एक गर्म जल धारा और इसे जो है हम अगुलहास या एगुलहास के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अदर अगर हम बात करें कि हिंद महासागर की और कौन सी जो धाराएं हैं, तो ये तो हो गई जो एगुलहास धारा है ये एक गर्म जल धारा है, और हिंद महासागर की और कौन कौन सी हैं जो वो गर्म जल धाराएं हैं, तो इनमें एक तो आ गई एगुलहास या अगुलहास की धारा, दूसरी है मेडागास्कर की धारा और तीसरी है सुमेरियन की धारा। तो ये जो है ये हिंद महासागर की जो है वो गर्म जलधाराएं हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है, तो वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शंकुधारी वन क्षेत्रों में बनने वाली मृदा है? तो शंकुधारी वन क्षेत्रों में बनने वाली मृदा जो है वो है पोर्जल सॉइल, पोर्जल मृदा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए, मृदा से रिलेटेड जो है कुछ और क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये है भोपाल में। तो ये भी आपको नोट रखना है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो है भोपाल में। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत में कितनी मिट्टियों की पहचान की गई है? तो वो 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की गई है, जिसमें भारत में जो है वो 4 प्रकार की मिट्टियां जो है वो मुख्य तौर पर पाई जाती हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, और लाल मिट्टी जो है 18% एरिया पर पाई जाती है, और काली मिट्टी 15% एरिया में, और लैटराइट जो है ये 3.7% एरिया में पाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अति महत्वपूर्ण घटक है? तो कौन सा है ये महत्वपूर्ण घटक? ये है जलवायु, क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अति महत्वपूर्ण घटक है जलवायु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरिक किसकी सबसे उच्च चोटी है? तो नौकरिक जो है ये किसकी सबसे उच्च चोटी है? ये है गारो हिल्स की। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, गारो हिल्स की अगर हम बात करें तो ये पड़ती है मेघालय में, और मेघालय में जो है 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। ये जो है मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो गारो हिल्स का आपको पता चल गया कि इसकी नौकरिक सबसे ऊंची चोटी है, और खासी हिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हैम्पी वैली, और चेरापुंजी और मासूनराम भी जो है वो खासी हिल्स में ही हैं। और जयंतिया पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर है कोयला पाया जाता है इस वाले जयंतिया हिल्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की उसके दाएं छोर पर सहायक नदी है? तो देखिए, गंगा की अगर सहायक नदियों की अगर हम बात करें कि गंगा की जो दाएं किनारे पर आकर के मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें आती हैं एक यमुना नदी, और इसमें आती हैं यमुना रिवर, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ये जो हैं इसकी दाएं किनारे पर आकर के मिलने वाली नदियां हैं, और इसके ऊपर से आकर के बाएं किनारे पर आकर के मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी और महानंदा। तो ये कुछ जो नदियां हैं जो आपको नोट रखनी है। तो बाएं किनारे पर हमने पढ़ा कि जो सोन नदी है ये इसके दाएं किनारे पर आकर के मिलती है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा रिवर की अगर हम बात करें तो गंगा जो रिवर है इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर।
तो ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सभी राज्यों में महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र है सिवाय, तो ये किसके? आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए लौह अयस्क के जो हैं वो चार प्रकार होते हैं, और ये चार प्रकार जो हैं ये कौन कौन से हैं, तो ये है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये हैं लौह अयस्क के चार प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो ये भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में चाय के बगीचे नहीं हैं? तो चाय के बगीचे जो हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो चाय के बगीचे कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वायुपोत निर्माण का केंद्र नहीं है? तो वायुपोत निर्माण का केंद्र नहीं है तो कौन नहीं है? वो है आदमपुर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट आंसर है। देखिए कोरापुट की अगर हम बात करें तो कोरापुट पड़ता है ओडिशा में, और लखनऊ जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और बेंगलुरु जो है ये पड़ता है कर्नाटक में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है? तो ये होते हैं मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मध्यम तथा लघु पैमाने के उद्योग। तो किन्हें विकसित करने के लिए? जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इन्हें विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गरीबी अनुमूलन किसकी इच्छा थी कि प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछा जाए? तो ये किसकी इच्छा थी? ये थी जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गरीबी उन्मूलन का जो नारा था ये दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी आपको नोट रखना है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और इसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 1980 से लेकर के 85 के बीच में। तो ये भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मार्ट मनी पद संदर्भ है, तो स्मार्ट मनी पद जो है ये संबंधित है किससे? क्रेडिट कार्ड से। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार के लिए कुल कर राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो ये कौन सा है? तो ये है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स। तो कॉरपोरेशन टैक्स जो है ये भारत सरकार के लिए कुल राजस्व का मुख्य स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।